हेलो गाइस, इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे जे एंड के बैंक टू व्हीलर यानी के बाइक स्कूटर लोन के बारे में और समझेंगे जे एंड के बैंक टू व्हीलर बाइक स्कूटर लोन के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन और इंटरेस्ट रेट को। अब किसी भी प्रकार के टू व्हीलर, चाहे वह स्कूटर हो, स्कूटी हो, मोटरसाइकिल हो या फिर बाइक हो, चाहे बैटरी ऑपरेटर टू व्हीलर हो, आप इन सब को परचेज करने के लिए जे एंड के बैंक से आसानी से लोन ले सकते हो। जे एंड के बैंक टू व्हीलर लोन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस प्रकार से है, आपका एक स्टेबल इनकम सोर्स यानी के आमदनी का साधन होना चाहिए, चाहे आप गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में सर्विस कर रहे हो, चाहे आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हो। अगर आपका अपना अर्निंग सोर्स नहीं है तब आपके साथ कोई को एप्लीकेंट हो सकता है, चाहे आपके पेरेंट्स हो या फिर आपके स्पाउस, जिसका अपना अर्निंग सोर्स हो। जे एंड के बैंक टू व्हीलर लोन के लिए आपका एज 18 से 75 साल के बीच में होना जरूरी है। इस लोन के लिए आपका एक साल का इनकम कम से कम 60,000 होना जरूरी है। आप जे एंड के बैंक से मिनिमम 25,000 का टू व्हीलर लोन ले सकते हो और लोन के लिए मैक्सिमम सीलिंग लिमिट कोई नहीं है, लेकिन आपको इस लोन के लिए मार्जिन मनी खुद पे करनी होगी। मार्जिन मनी टू व्हीलर के ऑन रोड प्राइस का 10% है, यानी कि बाइक प्राइस का 10% आपको खुद पे करना होगा, 90% आपको लोन मिल जाएगा। आप यह टू व्हीलर लोन मैक्सिमम 60 महीनों के लिए ले सकते हो। इस लोन पर दो किस्म के इंटरेस्ट रेट का ऑप्शन है, आप लोन पर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट या फिर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट को सिलेक्ट कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट आपके प्रोफाइल, आपने कितने समय के लिए लोन लेना है, कितना लोन लेना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है और आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। इंटरेस्ट रेट के लिए आप बैंक के साथ नेगोशिएशन कर सकते हो। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तब आपको किसी भी किस्म का गारंटर या फिर कोलेटरल का जरूरत नहीं है। अगर आप जे एंड के बैंक में करंट अकाउंट होल्डर हो और आपने 1,00,000 तक का लोन 6 महीने में सही से पे किया है तब आपको गारंटर या फिर कोलेटरल की जरूरत नहीं है। इसके अलावा नए कस्टमर के लिए थर्ड पार्टी गारंटर या फिर कोलेटरल का जरूरत है, यानी कि गारंटर या कोलेटरल के बगैर आपको यह लोन नहीं मिलेगा। अगर आप लोन को समय से पहले जमा करना चाहते हो या फिर लोन का पार्ट पेमेंट करना चाहते हो तब आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना होगा। लोन प्रोसेसिंग फी लोन अमाउंट का 1% है, या फिर लोन प्रोसेसिंग फी कम से कम ₹500 और मैक्सिमम ₹2,000 है। अगर आप लोन का EMI समय पे जमा नहीं करते हो तब आपको हर महीने पैनल चार्जेस 1-3% आउटस्टैंडिंग अमाउंट का लग सकता है। KYC के लिए आपको बैंक में आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ जमा करना होगा, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। एड्रेस प्रूफ के लिए आप यूटिलिटी बिल जैसे कि बिजली या फिर पानी गैस का बिल दे सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप जे एंड के बैंक कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर 1-800-890-2122 के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्लीज़ आप कमेंट में बताएं जे एंड के बैंक टू व्हीलर लोन के फीचर और स्पेसिफिकेशन आपको कैसे लगे हैं, आपका एक्सपीरियंस जे एंड के बैंक के साथ कैसा रहा है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। प्लीज़ औरों की जैसी गलती आप ना करें। सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन वाले बेल को ऑल पर टिक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।